आईएएस का जो ट्रांसफर लिस्ट आया उसको लेकर दीपक ब्रज का एक बयान आया है, आईएएस को हटाने से अच्छा गृह मंत्री को हटा देना था, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में कायम हो रही है। दीपक ब्रज जी कांग्रेस पार्टी चला नहीं पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की चिंता करें। हमारे जो ट्रांसफर होते हैं वो प्रशासनिक आधार पर होते हैं और ये तय करने का काम सरकार का है, किस अधिकारी की उपयोग सेवाओं का उपयोग कहाँ करना है ये सरकार का निर्णय होता है। कोई समय सीमा तय की गई है भू विस्थापितों की समस्याओं का निराकरण को लेकर, क्योंकि ये समस्या सालों से चली आ रही है, सरकार बदल जाती है लेकिन ये समस्या खत्म नहीं होती है। देखिए 2017 के बाद आज तक जिला पुनर्वास समिति की बैठक नहीं हुई थी। हमारी मंशा है कि भू विस्थापित और पुनर्वास की समस्याओं का निराकरण हो और इसलिए हमने ये बैठक की है। हमने कहा है कि जितना जल्दी हो सके इसका निराकरण करें और अगली बैठक से पहले सारे मामलों को निराकरण की कोशिश करें, ये हमने कहा है। सर को लेकर फालतू क्या निर्देश दिए सर और पीएससी को? पीएससी उसको कहा है कि उनके सीआरएस के जो सीआरएस के प्रोविजन है उस प्रोविजन के अनुसार कोरबा जिले में और क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्र में काम करें।